इस वीडियो के द्वारा हम डिस्कस करेंगे कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन है सोल प्रोपराइटरशिप के केस में, उसको हम किस तरीके से अटेंड करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि जो हमारा क्वेश्चन है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, जिसके अंदर एक टेबल होती है जिसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस, जिसमें बहुत सारे अकाउंट दिए होते हैं उनके अमाउंट के साथ, जो कि सेटल्ड कंडीशंस के जितने भी अकाउंट होते हैं वो सब इसी ट्रायल बैलेंस के अंदर आते हैं, लेकिन जितने भी अनसेटल्ड अकाउंट हैं वो सभी हमें एडजस्टमेंट की फॉर्म में मिलते हैं पॉइंट टू पॉइंट, और ये सब टेक्स्ट की फॉर्म में होंगे। तो मैं आपको इस पूरे प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि जितने भी सेटल्ड अकाउंट हैं वो ट्रायल बैलेंस में आते हैं, और जितने भी ये ट्रायल बैलेंस के अकाउंट हैं इनका केवल एक सिंगल इंपैक्ट पड़ता है फाइनेंशियल अकाउंट बनाते वक्त। मतलब ये किसी एक जगह पर ही प्लेस किए जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, बट जितनी भी एडजस्टमेंट हैं इनका जो इम्पैक्ट पड़ता है वो डबल पड़ता है। मतलब इनका इम्पैक्ट दो बार आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। तो अब जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो है कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे। तो हम फॉर्मेट बनाने के लिए जो रजिस्टर यूज करने वाले हैं उसमें सबसे पहले तो हम आमने सामने का पेज लेंगे। कभी ऐसा मत करना कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इस पेज पर बनाया और बैलेंस शीट इस पेज पर। आपको आमने सामने एक फॉर्मेट ड्रॉ करना है एक दूसरे के सामने। जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पेज है इसमें ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए फॉर्मेट बनाएंगे, और इस पेज को कुछ इस तरीके से मान के चलिए कि इस पेज का जो अपर जो 40% पार्ट है वो तो ट्रेडिंग अकाउंट के लिए यूज होने वाला है, और नीचे का जो 60% पार्ट है वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस के लिए यूज होने वाला है। और जो सेकंड पेज है जिसको राइट साइड का पेज बोलेंगे आप, यहां पर आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाएंगे। इसका जो 60% पार्ट है अपर वाला अप वाला, ये बैलेंस शीट के लिए यूज होगा, और नीचे का जो 40% पार्ट है इसको आप वर्किंग नोट के लिए यूज करेंगे। जब आप एडजस्टमेंट करेंगे तो कुछ आपको कैलकुलेशंस भी करनी पड़ेंगी, तो उन कैलकुलेशंस को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे छोटी मोटी जो भी हमारी कैलकुलेशंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मेट वाला फर्स्ट स्टेप आपका क्लियर हो गया कि राइट साइड में ये जो है बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, और लेफ्ट साइड में जो है आपका ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है। 40% ऊपर ट्रेडिंग और नीचे का 60% प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि इसको हम दोनों को कंबाइंड बना रहे हैं। तो ये था हमारा पहला स्टेप। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होने के बाद जब हम सेकंड स्टेप पे आते हैं तो हमारे सामने जो एडजस्टमेंट होती हैं ट्रायल बैलेंस के नीचे, हम हर एक एडजस्टमेंट को पढ़ते हैं, और जो जो अकाउंट एडजस्टमेंट से रिलेटेड डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस में गिवन है उनको हम टिक कर लेते हैं। क्योंकि जब हम इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें ये पता लग जाएगा वन बाई वन जब हम आगे बढ़ेंगे। जैसे मैंने ये सब टिक किए हुए हैं जिनसे रिलेटेड एडजस्टमेंट दी हुई है, जैसे मान लीजिए एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस मुझे दिखाई दिया तो मेरी समझ में आ गया कि भाई इससे रिलेटेड कोई ना कोई एडजस्टमेंट नीचे मिलने वाली है। तो मैं क्या करूंगा कि जब ये पॉइंट मेरे सामने आएगा तो बहुत सीरियसली मैं इस वाले पॉइंट को यहाँ पे सर्च करके इसको रिकॉग्नाइज्ड करूंगा। जैसे यहाँ पे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट दी हुई है फोर्थ नंबर पर, तो अब मैं इसको प्रॉपरली सॉर्ट आउट करूंगा, तब मैं आगे गुडविल की तरफ आऊंगा। तो यहां से इससे बेनिफिट ये होता है कि हर एडजस्टमेंट का डबल इंपैक्ट पड़ता है। तो जो भूलने के चांसेस होते हैं ना, किसी बिना टिक मार्क के आप जल्दबाजी में फटाफट बिना सपोज टू इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है लेकिन आपने मार्क नहीं किया हुआ, तो आप ड्राइंग को इग्नोर करके एडजस्टमेंट को इग्नोर करके और परचेजेस को सॉल्व कर लेंगे, तो उससे क्या होता है कि थोड़ा सा सिक्वेंस खराब हो जाता है हमारा, और कहीं ना कहीं फिर क्वेश्चंस भी होचपोच हो जाता है। क्योंकि बाद में जब हमें पता चलता है कि यहाँ पे एडजस्टमेंट भी थी भाई इससे रिलेटेड, फिर हम उसको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं तो उस समय फिर हमारे पास जगह नहीं होती, स्पेस नहीं होता, और एडजस्टमेंट करने के लिए हमें स्पेस चाहिए। तो वो जो प्रॉब्लम आती है ना, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, वो आप इस तरीके से सॉर्ट आउट कर लेते हैं, और इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है तब आप इस तरीके से जब मार्क करते हैं। अब थर्ड स्टेप में मैं ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो मैंने क्या किया है कि ये क्वेश्चन आपके सामने हैं, अभी हम इसको रीड करेंगे और फिर ये सोल्यूशन भी मैंने यहाँ पे रेडीमेड रखा हुआ है सामने, ताकि हम कम टाइम में इस पूरे प्रोसेस को, कॉन्सेप्ट को समझ सकें। अब जैसे कि हमारे सामने कैपिटल आ गया, तो मैं ना बार बार जो जो चीज़ें यहाँ पे आती जाएंगी उनको यहाँ मार्क करके आपको बताता जाऊँगा कि कौन सी वैल्यूज को हम किधर लिखते हैं और उसके रीजन, उसके पीछे रीजन्स क्या हैं। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल, कैपिटल क्योंकि इंटरनल लायबिलिटी है। बड़े ध्यान से समझना, एक दो क्वेश्चंस पे मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, जो अगला क्वेश्चन होगा वो इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। अगर आप इसको समझते हैं तो उसको अगले क्वेश्चंस को भी समझ पाएंगे, और कुछ समय के बाद आपको रियलाइज होगा कि अरे सर आ गया ये चैप्टर हमें। तो जैसे कैपिटल है, कैपिटल 65,000 है, तो कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी होती है। तो मैं यहाँ हाईलाइटर ले लेता हूँ, तो मैंने कैपिटल देखो लायबिलिटी साइड में कैपिटल ये 65,000 लिख दिया, ठीक है। अब ये 65,000 लिख दिया, ओके, इसके बाद हम इधर भी हाईलाइट कर लेते हैं। उसके बाद आता है क्रेडिटर, क्रेडिटर भी हमारी लायबिलिटी होती है, आउटसाइडर लायबिलिटी 36,800, तो इसको भी हम किधर लिखेंगे, इसको भी हम लायबिलिटी साइड में ही लिखेंगे। तो हमने क्रेडिटर भी लायबिलिटी साइड में लिख दिया 36,800। इसके बाद हमने देखा कि भाई यहाँ पे ना रेंट रिसीव्ड है, रेंट रिसीव्ड इनकम होती है बच्चों। इनकम हमें सबको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना 40% ट्रेडिंग अकाउंट 60% प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो
रेंट रिसीव्ड है वो हमारा इनकम की तरफ आएगा, और इनकम हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। कहाँ पे लिखते हैं? क्रेडिट साइड में। तो हमने 600 इधर लिख दिया। उसके बाद हमने देखा परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न है 4000। परचेज रिटर्न हमेशा परचेज में से माइनस होता है। तो अब आप ये देखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज आता है, तो परचेज जो भी वैल्यू है अभी अपने आप सामने आ जाएगी जब हम कंटिन्यूएशन में इस क्वेश्चन को आगे करेंगे। अभी हम परचेज की जगह को खाली छोड़ के सीधा इसके नीचे परचेज रिटर्न मतलब 4000 माइनस की तरफ दिखा देंगे। देन इसके बाद हमारे सामने आ गया सेल। सेल हमारा प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है 289,600। तो ये आ गया सेल, इसको इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि हो सकता है कि इससे रिलेटेड सेल्स रिटर्न भी हमें मिल जाए। तो सेल्स रिटर्न को एडजस्ट करने के बाद जो फाइनल वैल्यू होती है उसको फाइनल कॉलम में लिखा जाता है। तो हमने सेल्स लिख दिया। इसके बाद आ गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। अब ये जो भी प्रोविजन है मतलब हमेशा याद रखना, देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं आपको, जितने भी ओल्ड प्रोविजन है मतलब जो ट्रायल बैलेंस में जितने भी प्रोविजन होते हैं ये सब ओल्ड होते हैं, और नीचे जितने भी प्रोविजन होते हैं ये सब न्यू होते हैं। ये सब क्या होते हैं? न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आते हैं। ओल्ड प्रोविजन को हमेशा न्यू प्रोविजन में से माइनस किया जाता है। या तो आप डेबिट साइड में जब आप इस न्यू प्रोविजन को लिखेंगे, जो भी नया प्रोविजन हमारा डाउटफुल डेब्ट के लिए बनाया जा रहा है, तो इस नए प्रोविजन में से आप ओल्ड प्रोविजन माइनस करके डेबिट साइड में बचा हुआ बैलेंस दिखा देंगे, जैसे 2000 है इसमें से 600 माइनस करके 1400। या एक काम और कर सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आप ये पूरा 2000 दिखा दो और ये 600 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखा दो। दोनों ही तरीके से 1400 का इंपैक्ट पड़ता है आपके क्वेश्चंस में। तो चलिए ये हमने 600 इस वाले प्रोविजन में से माइनस होगा। तो आप देखो यहाँ पर अगर हम प्रोविजन की बात करें यहाँ पर, तो प्रोविजन आप यहाँ पर सर्च करिए, ये लिखा हुआ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 1400। अब ये 1400 आया कैसे? मैंने बताया था ना कुछ देर पहले, न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन, नए वाले प्रोविजन में से ओल्ड माइनस कर देते हैं 2000 में से और जो बची हुई वैल्यू है उसको यहां पे दिखा देते हैं। आगे बढ़ते हैं, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस टिक लगा हुआ है, इसका मतलब इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस है 16,050, लेकिन यहां पे क्या बोला गया है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस से रिलेटेड? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस से रिलेटेड बोला गया है कि इसका जो 2/3 पार्ट है ये अनएक्सपायर्ड है, इसका मतलब ये प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया। प्रीपेड एक्सपेंसेस की मैंने जो इससे प्रीवियस वीडियो में आपको बता रखा है कि असेट्स होती है, प्रीपेड एक्सपेंसेस असेट्स होता है ना, तो एक तो आप जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है वो बैलेंस शीट के असेट्स में दिखाएंगे, एक्स्ट्रा वाला पार्ट इसका 2/3, और दूसरा एक्रूवल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भैया जो एक्चुअल एक्सपेंसेस है वही दिखाना है। तो एक्चुअल एक्सपेंसेस जो आपने इस साल पे किया है 16,050 रुपए, इसका 2/3 तो अगले साल का है, तो जो बचा हुआ 1/3 है वही तो होगा, तो जो इसकी 1/3 वैल्यू है वो एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखा दो। तो ये देखिए किस तरह से किया है इसने, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस था 16,050 जो आपने पे किया है, लेकिन इसका अनएक्सपायर्ड 2/3 है, 2/3 है मतलब 10,700 इस वैल्यू का, तो ये तो प्रीपेड है, तो एक्चुअल एक्सपेंसेस तो आपका इसका डिफरेंस 5,350 होगा, और ये जो एक्स्ट्रा है प्रीपेड 10,700 ये आप असेट्स की तरफ भी दिखाएंगे। देखो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 10,700। इसके बाद हम आगे बात करते हैं गुडविल। गुडविल हमारी असेट्स होती है, इंटेंजिबल असेट्स, तो असेट्स में आएगा भाई ये 49,000, तो ये हमने 49,000 गुडविल इधर दिखा दिया। उसके बाद हमारे सामने है मशीनरी, मशीनरी पे टिक लगा हुआ है, डेप्रिसिएशन है, इसका मतलब 20,000 असेट्स की तरफ लिखेंगे और उस पर डेप्रिसिएशन कितना है मशीन के ऊपर, मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन है 10%, तो 2000 कम हो गया। इसका मतलब हम क्या करेंगे कि देखो ये हमने मशीनरी लिखा 20,000, इस पे डेप्रिसिएशन 2000 कम करके 18,000 लिखा, और ये 2000 हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे, क्योंकि जो भी हमारे डेप्रिसिएशन का जो मैंने ट्रीटमेंट आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था वो यही बताया था ना, रिलेटेड असेट से माइनस करो और जितना डेप्रिसिएशन है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में भी दिखाओ। तो ये हमने डेप्रिसिएशन मशीनरी का 2000 इधर भी दिखा दिया पी एंड एल अकाउंट के डेबिट में, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। फिर आ गया डिस्काउंट रिसीव्ड, ये इनकम है 1800 रुपये, तो इनकम तो इधर आता है, तो पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में हम इसको दिखाएंगे 1800। देन इसके बाद आ गया जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगा 8600। ये आपने लिखा यहाँ पर इस तरह से। फिर आ गया सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न 600 है, तो सेल्स रिटर्न जो सेल वैल्यू हमने इनर कॉलम में लिखी हुई थी उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस करा, फाइनल वैल्यू आपने क्रेडिट साइड में दिखा दी।
इसके बाद सेल्स रिटर्न के बाद है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड एक तरीके का लॉस है भाई, आप डिस्काउंट देते हो तो नुकसान होता है ना आपका, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगा। जितने भी एक्सपेंसेस लॉसेज हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आते हैं अगर वो इनडायरेक्ट कैटेगरी में है, और डायरेक्ट कैटेगरी के एक्सपेंसेज हैं तो वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट डेबिट साइड में आते हैं। तो ये जो है हमारा डिस्काउंट अलाउड है 5,000, तो डिस्काउंट अलाउड हम 5,000 यहाँ पे दिखाएंगे। ये किधर लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है डिस्काउंट अलाउड डेबिट साइड में। उसके बाद हमने करना है पेटेंट, पेटेंट पे देखो एडजस्टमेंट भी है और ये हमारी असेट्स होता है इनटेंजिबल असेट्स। तो पेटेंट पे कितना है हमारा जो डेप्रिसिएशन है 33/3%, वैसे तो इसको अमोर्टाइजेशन बोलते हैं पर चलो डेप्रिसिएशन बोला है तो मतलब इसकी वैल्यू इतनी कम हुई, तो 1/3 होता है 33/3 का मतलब 1/3, तो 1/3 का मतलब होता है कि 2700 का 1/3 होता है 900 इसमें कम हो गया। तो देखो पेटेंट जो है असेट्स है, तो पेटेंट की वैल्यू किधर दी हुई है सर्च करिए बच्चों मेरे साथ, तो पेटेंट की वैल्यू आपको ये मिलेगी, पेटेंट 2700 में से 1/3 कम हुआ है ना, 900 माइनस करके 1800 इधर दिखा दिया गया, और बाकी जो है एक तरह का ये डेप्रिसिएशन है 900 पेटेंट, तो इसको पीएनएल अकाउंट के डेबिट में दिखा दिया। फिर आ गया स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे ऊपर आता है 32,000 यहाँ पे दिखा दिया हमने। फिर है डेटर, डेटर पे देखो एडजस्टमेंट है 12,500, इस पे क्या है, इस पे प्रोविजन है 2,000, तो प्रोविजन हमेशा इसको कम करेगा, तो देखो डेटर है 12,500, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2,000 इसमें से कम करके 10,500 हमने इधर दिखा दिया, और इसी प्रोविजन को अब हम किधर दिखाएंगे पीएनएल अकाउंट के डेबिट में, और उसमें से ओल्ड वाला जो डेट प्रोविजन है, ओल्ड वाला प्रोविजन जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ ये 600 ओल्ड, ये भी प्रोविजन है ना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो ट्रायल बैलेंस वाला ओल्ड है, उसको एडजस्ट करके जो वैल्यू बचती है उसको हम फाइनली यहाँ दिखा देते हैं 1400। इसके बाद आ गया कैसेट बैंक, ये असेट्स है आपकी 22,560, तो ये असेट्स में हम लिखेंगे, देखो सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है 22,560। इसके बाद है ड्रॉइंग, ड्रॉइंग हमेशा कैपिटल में से माइनस होता है, ड्रॉइंग हमेशा कैपिटल में से माइनस होता है, तो ये हमने 5,000 देखो कैपिटल में से माइनस किया, कैपिटल ये लिखा हुआ इनर कॉलम में, तो ड्रॉइंग देखो हम माइनस कर रहे हैं 5,000 इसमें से लेस। इसके बाद लिखा हुआ है परचेज, परचेज तो परचेज की तरफ आएगा और इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट भी है, परचेज है आपका 1,71,000, तो 1,71,000 आपने यहाँ पे लिखा। अच्छा दूसरा एडजस्टमेंट क्या है इससे रिलेटेड, कि आपने परचेजेस से रिलेटेड एडजस्टमेंट में लास्ट में दिया हुआ है कि आपका जो माल है ना 20,000 का माल डिस्ट्रॉयड हो गया, गुड्स कॉस्टिंग 20,000 डिस्ट्रॉयड, 20,000 का माल आपका डिस्ट्रॉयड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब गुड्स आया था तो परचेजेस के नाम से रिकॉर्ड हुआ था, मतलब जब गुड्स आपने खरीदा था तो याद करो ना उस समय आपने एंट्री की थी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, अब ये माल जल गया तो अब परचेजेस कम हो गई ना, परचेजेस में से ही तो आग लगी है, तो अब इसका मतलब एंट्री बनेगी कि भैया लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर टू परचेज, तो परचेज कम होगी, तो एक तरीका है या तो इस 20,000 को यहाँ परचेज में से माइनस कर दो या इसको क्रेडिट साइड में दिखा दो ट्रेडिंग अकाउंट के, तो यहाँ पे इसने क्रेडिट साइड में दिखाया हुआ है तो आप भी क्रेडिट साइड में दिखा दो, अगर आप इसको इधर ना दिखा के परचेज में से माइनस करते तो भी आपका प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट यही आना था जो इधर लिखा हुआ है, तो आप दोनों काम कर सकते हैं, तो आप इधर लिखा हुआ है तो इधर लिख दो। इसके बाद है कैरिज इनवर्ड, कैरिज इनवर्ड ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो ऊपर आता है ट्रेडिंग अकाउंट में, अगर ये कैरिज आउटवर्ड होता तो नीचे आ जाता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। उसके बाद है वेजेस, वेजेस पे भी एडजस्टमेंट है, वेजेस है 23,000, अब 23,000 वेजेस है तो ये तो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेज है, लेकिन इसमें से 5,000 माइनस किया हुआ है, वो इसलिए किया हुआ है क्योंकि यहाँ पे जब इन्होंने फर्नीचर खरीदा था तो फर्नीचर एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उस समय जो वेजेज लगी थी मतलब इसको इंस्टॉल्ड कराने पर असेंबल कराने पर, इस पूरे पॉइंट में यही लिखा हुआ है, तो वो इन्होंने फर्नीचर के अंदर प्लस ना करके वेजेज अकाउंट में दिखा दिया था। अब आपने बच्चों कुछ तो पढ़ा होगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में प्रिंसिपल एरर करके, कि जब आप कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं जैसे फर्नीचर खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उस समय उस पर जितने भी खर्चे होते हैं वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल एरर हो गया कि आपने उसको वेजेस के नाम से दिखा दिया इस 5,000 रुपये को जो कि आपने इसके असेंबलिंग पे खर्च किए थे जो कि नहीं दिखाने थे आपको, तो गलती हुई, तो इसकी वजह से 5,000 वेजेज हमारी बढ़ चुकी है, तो इस 5,000 को हम इस फर्नीचर हम वेजेज में से कम करेंगे, तो एक्चुअल वेजेज जो हमारी बनती है वो बनती है 18,000, इसलिए हमने इसको यहाँ से माइनस किया। दूसरी बात,
सर फिर ये 5,000 यहाँ से निकालेंगे तो किधर जाएंगे? हाँ जी किधर जाएंगे, फर्नीचर में प्लस हो जाएंगे। तो फर्नीचर हमने 45,000 का खरीदा था ना, जिसको हमने इट वॉज नॉट रिकॉर्डेड, ये रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो अब इसको रिकॉर्ड करेंगे तो फर्नीचर आ जाएगा, फर्नीचर असेट्स के तौर पे आएगा। तो देखो 45,000 तो ये आ गया क्योंकि 45,000 का था, प्लस इस पे जो वेजेज लगी थी जिसको आपने इसमें प्लस ना करके वेजेज के नाम से दिखाया था, वेजेज में से तो हमने हटा दिया इसको, इस 5,000 को भी इसमें प्लस करके देखो असेंबल वाइज जो फर्नीचर के ऊपर जो खर्च हुआ था वो भी फर्नीचर में ही मर्ज कर दिया उन्होंने, 50,000 पूरा दिखा दिया यहाँ पर। लेकिन अभी इसमें से डेप्रिसिएशन भी लगाया गया, तो इसलिए इसने इसको इनर कॉलम में लिखा हुआ है। तो ये वाला पार्ट हमारा हो गया खत्म वेजेस तक। पावर, पावर भी डायरेक्ट एक्सपेंसिज है, तो 9,000 ये भी इधर आएगा, 9,000 हमने इधर लिखा इसको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। यहाँ पे हम देखेंगे जो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस है 22,000, इस पे भी टिक लगा हुआ है, इसका मतलब इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है, तो इंश्योरेंस है 22,000 रुपये। लेकिन यहाँ पे क्या गिवन है कि इंश्योरेंस से, इंश्योरेंस के अंदर 1200 वो इंश्योरेंस वैल्यू है जो 30 जून 2021 को कैंसिल होने वाली है, मतलब एक्सपायर्ड होने वाली है। इसका मतलब हम तो अकाउंट क्लोज कर रहे हैं 31 मार्च 2021 को, इसके 3 महीने के बाद ये 1200 रुपये वाला इंश्योरेंस क्लोज होगा। तो जो करंट ईयर है 31 मार्च 2021 तक है, तो इसका मतलब 12 मंथ की ये टोटल एक्सपेंसेस वैल्यू है, प्रीमियम वैल्यू, जिसमें 9 मंथ तो करंट ईयर में काउंट हो रहे हैं और 300 अगले मंथ में काउंट हो रहे हैं। तो हम 9 मंथ के हिसाब से अगर देखते हैं तो 900 रुपये हमारा काउंट होना चाहिए, तो 300 रुपये हमारा प्रीपेड हो गया, जो कि हमने 300 रुपये प्रीपेड मतलब इस 22,000 के अंदर दे रखा है। तो उस 300 रुपये को हम इस 22,000 रुपये वाले इंश्योरेंस में से निकाल देंगे, क्योंकि इंश्योरेंस एक्सपेंसेस देखो तो 300 ही केवल यहाँ पे एडजस्ट हुए। एडजस्ट करने के बाद इसने इनको 21,700 दिखा दिया टोटल एक्चुअल खर्चा। अब चूंकि ये 300 प्रीपेड हो गया तो इसको भैया असेट्स में भी दिखाना पड़ेगा, तो 300 इसने प्रीपेड इंश्योरेंस करके इधर भी दिखा दिया असेट्स में। इसके बाद आगे आ जाता है सैलरी, सैलरी जो है हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 46,390 सैलरी के नाम से इधर दिखाया हमने। फिर है इनकम टैक्स, इनकम टैक्स जो है ना ये ओनर का खर्चा होता है, ये बिजनेस में से सेटल किया गया तभी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये एक तरीके का इनकम टैक्स अगर बिजनेस पे करता है तो ये भी ड्रॉइंग होता है, क्योंकि ये ओनर के लिए पे किया गया है। तो कितना है इनकम टैक्स? 5,000। तो जो ड्रॉइंग है ना ये आपको पता है ना कहाँ से माइनस होता है, ड्रॉइंग माइनस होता है कैपिटल में से। तो इसको भी देखो हमने इस जो डायरेक्ट ड्रॉइंग है उसमें इनकम टैक्स भी प्लस करके अब टोटल ड्रॉइंग्स हमारा 10,000 हो गया। तो हम 10,000 माइनस करेंगे यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल में से। इसके बाद है यहाँ पर बैंक लोन, बैंक लोन हमारी लाइबिलिटी होती है तो इसलिए लाइबिलिटी में दिखाएंगे 55,000 ये लिखा दिया हमने। इसके बाद है यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन जो है ये सेटल्ड हो चुका है, लेकिन इसका मतलब ये हमारा खर्चा है, खर्चा जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आता है 1500। तो देखो 1500 ये इधर आ गया। दूसरी बात ये है कि जब आपने फर्नीचर खरीदा था, इस एडजस्टमेंट को फिर से एक बार देखो, तो फर्नीचर जब आपने खरीदा था तो फर्नीचर जो है आपने उधार खरीदा था, क्योंकि कहीं नहीं लिखा कि कैश में परचेज किया था। तो फर्नीचर के अगेंस्ट जो आपने पैसा जो देना है क्रेडिटर्स को वो 45,000 देना है, क्योंकि टोटल फर्नीचर हमने 50,000 का काउंट किया, लेकिन इसमें जो 5,000 की वैल्यू है जो वेजेस के अगेंस्ट फर्नीचर में कन्वर्ट हुई थी वो तो हम पेड कर चुके हैं वेजेस वाला पार्ट। तो हम केवल 45,000 का ही क्रेडिटर क्रिएट करेंगे, क्योंकि देखो बच्चों इसका हमने पेमेंट नहीं करा कहीं पे भी, तो हमें 45,000 रुपये का जो फर्नीचर हमने खरीदा उसके अगेंस्ट हम क्रेडिटर भी बनाएंगे, तो क्रेडिटर लाइबिलिटी होता है। तो सप्लायर ऑफ फर्नीचर, जब ये हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया था इस वाले पार्ट को कि 45,000 का फर्नीचर खरीदा गया और इसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया, तो रिकॉर्ड करेंगे तो एंट्री क्या बनती इसकी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, तो क्रेडिटर तो वो भी तो फिर लिखना पड़ेगा, तो 45,000 ये भी हमने लाइबिलिटी की तरफ लिखा। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन सॉल्व करा। अब एक एक करके चेकलिस्ट देख लेते हैं कि कोई ये है फोर्थ स्टेप, थर्ड स्टेप हो गया, फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं चेकलिस्ट आएगा, और फिफ्थ स्टेप में करते हैं टोटलिंग। तो चेकलिस्ट में सबसे पहले हमने देखा क्लोजिंग स्टॉक, जो कि अभी हमने नहीं लिखा, तो क्लोजिंग स्टॉक हमें पता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और असेट्स में आता है, और दूसरा कहाँ पर आता है असेट्स में आता है क्लोजिंग स्टॉक, ये लिख दिया हमने। इसके बाद हमने देखा कि भाई फर्नीचर वाला पार्ट हो गया, चलो ठीक है, लेकिन फर्नीचर से रिलेटेड आगे हम क्या देखने वाले हैं कि डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है, फर्नीचर वाला डेप्रिसिएशन नहीं लगाया हमने। तो ये जो 50,000 हमारा फर्नीचर बना था ओवरऑल, इस 50,000 पे हमने 9 मंथ का डेप्रिसिएशन लगाया। क्यों लगाया 9 मंथ का डेप्रिसिएशन? क्योंकि ये करंट ईयर में हमारे पास 9 मंथ ही था, क्योंकि हमने इसको 1 जुलाई 2020 को खरीदा और क्लोज कर रहे हैं हम 31 मार्च 2021 को, तो 9 महीने तो हमने यूज किया बच्चों इसको, तो 9 महीने के हिसाब से हम 10% का जो डेप्रिसिएशन लगाएंगे 50,000 पे, वो लगेगा 3,750।
बस वो डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, ये एक्चुअल वैल्यू जो आज की करंट वैल्यू है क्लोजिंग वैल्यू वो यहाँ दिखा दो, और डेप्रिसिएशन हम इधर भी दिखाते हैं पी एंड एल अकाउंट के डेबिट में, इधर भी दिखा दिया हमने। ऐसे करने के बाद आगे बढ़ते हैं, पेटेंट पे डेप्रिसिएशन लगाया, सब पे लगाया हमने, इंश्योरेंस डाउटफुल डेप्ट वाला भी हो गया, प्रोविजन वाला जो था एडवर्टीजमेंट वाला भी हो गया, एडवर्टीजमेंट वाला, इंश्योरेंस प्रीमियम वाला भी कर दिया हमने। अब ये मैनेजर कमीशन रह गया जो कि नेट प्रॉफिट पे निकलेगा। अब मैं ये भी बताऊंगा मैनेजर कमीशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। और इसके बाद ये हमने गुड्स जो डिस्ट्रॉयड हो गया था इसको भी किया है। तो अब मैनेजर कमीशन को छोड़ के बाकी सब अरेंज हो चुका है। तो हमने करना क्या है, इधर का टोटल करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट का जो कि है 3,32,000। अब इधर का टोटल ज़्यादा है इधर के मुकाबले, तो दोनों तरफ ये टोटल लिखा जाएगा। इन सब का टोटल करने के बाद इसमें से माइनस करो तो ये बैलेंसिंग फिगर आएगी निकल के, तो ये बैलेंसिंग फिगर कहलाएगी ग्रॉस प्रॉफिट। फिर क्योंकि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो ट्रेडिंग अकाउंट पे बेस करता है, तो इस वैल्यू को लेकर आओ इधर, यहाँ पे लेकर आ गए ग्रॉस प्रॉफिट को। इसके बाद जो इनकम्स वगैरह थी उन सबको हमने इधर लिखा, फिर हमने टोटल करने की कोशिश की। देखो ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू अभी तक आपकी निकली ही नहीं है, ये बैलेंसिंग फिगर है, तो अभी इस चीज़ को आप भूल जाओ। ये तीन वैल्यूज आपके सामने हैं, ग्रॉस प्रॉफिट और ये दो इनकम, रेंट रिसीव्ड और डिस्काउंट वाला। इनके मुकाबले इधर का टोटल ज़्यादा हो रहा है। जब इधर का टोटल ज़्यादा हो रहा है तो आपने ये वैल्यू यहाँ पे, ज़्यादा वैल्यू इधर का टोटल है 1,16,590, इधर भी लिखी इधर भी लिखी, तो ये बैलेंसिंग फिगर आ गया, और ये बैलेंसिंग फिगर है नेट लॉस। अब चूंकि इस बिजनेस में नेट लॉस हुआ है तो किसी भी मैनेजर को कोई कमीशन नहीं दिया जाएगा, तो ये वाली जो एडजस्टमेंट है ये खारिज हो गई। क्यों? मैनेजर इज एंटाइल्ड टू गेट 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। अब जब प्रॉफिट हुआ ही नहीं तो उसको कमीशन किस बात का दें? अगर प्रॉफिट हुआ होता तो फिर हम इसकी कैलकुलेशन करते, तो यहां इस क्वेश्चन में मैनेजर कमीशन की कोई कैलकुलेशन नहीं होगी। दूसरी बात, एक पॉइंट हम यहां पे भूल रहे हैं, जब हमारा माल जला था तो वो इंश्योर्ड नहीं था, तो हमने परचेज के हिसाब से तो इसको एडजस्ट कर दिया था कि भाई या तो परचेज में से माइनस करो या इधर दिखा दो। दूसरी बात यह है कि ये लॉस भी तो है ना बच्चों हमारा, भाई माल जल गया आग से तो नुकसान भी हुआ ना, और नुकसान सारे किधर आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। तो देखो लॉस बाय फायर ये भी 20,000 इधर पी एंड एल अकाउंट के डेबिट में आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद ये नेट लॉस तक पहुंचे, नेट लॉस को हम, अगर हमें प्रॉफिट हुआ होता तो हम ओपनिंग कैपिटल में उसको प्लस करते, क्योंकि लॉस हुआ है तो इसको माइनस करेंगे। तो हमने दोनों ड्रॉइंग और ये इनकम टैक्स वाला और डायरेक्ट ड्रॉइंग को माइनस करके और प्लस लॉस को भी माइनस करके फिर हम ये फाइनल क्लोजिंग कैपिटल निकालते हैं। इसके बाद देखो इधर सब हाईलाइट हो चुके हैं, दोनों तरफ का टोटल करेंगे। अगर दोनों तरफ का टोटल इक्वल है तो इट मीन्स इट्स द मार्क फॉर परफेक्शन कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो एट द एंड हमारे दोनों तरफ के टोटल इक्वल आएंगे और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले फॉर्मेट बनाओ, फिर टिक मार्क करो एडजस्टमेंट से रिलेटेड जो जो भी अकाउंट हैं, उसके बाद फिर इनको प्लेस करो। प्लेस करने के बाद फिर चेकलिस्ट लाओ, एक एक एडजस्टमेंट को फिर से पढ़ के देखो कि भाई कोई भूल तो नहीं गए कुछ आप। उसके बाद जैसे देखो हम ये भूल गए थे 20,000 रुपये लिखना, हमें अभी पता चला, उसके अलावा हम बाकी तो हमने कर लिया था सब। फिर टोटलिंग करो और इस तरीके से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करो। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, लेंथी थी पर बेटा इससे ज़्यादा शॉर्ट मैं इस वीडियो को बना भी नहीं सकता था, क्योंकि इस पूरे क्वेश्चंस को समझाने का मतलब है कि अगर मैं इसको हाथ से सॉल्व करता ना एक एक चीज़ को तो और 20 मिनट और एक्स्ट्रा लगने वाले थे। चलिए, थैंक यू, समझ में आ गई है तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा बच्चों।